हे गाइस, कैसे आप सब। मैं हूं शिवम। और दोस्तों, मैनुअल पोर्ट्रेट फोटोग्राफी टिप्स को लेकर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है। जिन लोगों ने वो वीडियो देखी नहीं है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। आज की वीडियो में भी हम मैनुअल पोर्ट्रेट फोटोग्राफी देखने वाले हैं। बट गाइस, साथ ही साथ मैं आपको बताने वाला हूँ मैं लेंस को मैनुअल फोकस पे सेट करके कैसे हम सब्जेक्ट के ऊपर मैनुअल फोकस कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। अब गाइस, कैमरा कर लेते हैं ऑन। और दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने DSLR मैनुअल मोड पे सेट कर लिया है। अब हम स्क्रीन में जाते हैं। मैनुअल पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में ISO, एपर्चर और शटर स्पीड सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। दोस्तों, इन तीनों ऑप्शन में मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है कैसे हम मैनुअल पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में इन ISO, शटर स्पीड और एपर्चर पे कैसे सेटिंग कर सकते हैं। इन तीनों की मैंने डिटेल्स में वीडियो बना रखी है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हो वीडियो की। वो वीडियो देखने के बाद गाइस, आप इस वीडियो को देख सकते हो। अब गाइस, हम लेंस को मैनुअल मोड पे सेट कर लेते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे स्टेबलाइजर के लिए अलग से वीडियो आने वाली है, बट आज की वीडियो में हम यहाँ पे मैनुअल फोकस देखने वाले हैं। अब आप देख सकते हो दोस्तों, मैंने यहाँ पे लेंस को मैनुअल फोकस पे सेट कर लिया है। अब गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने मैनुअल मोड पे लेंस को सेट कर लिया है। अब दोस्तों, हम लेंस की कुछ डिटेल्स देखने वाले हैं। दोस्तों, इस वाले पार्ट को जिससे हम जूम करते हैं इसे कहते हैं जूम रिंग। गाइस, इससे सब्जेक्ट के ऊपर जूम किया जाता है। और गाइस, सामने वाले पार्ट को जिससे हम सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करते हैं उसे कहते हैं फोकस रिंग। एक बार फिर से बता देता हूं दोस्तों, ये होता है जूम रिंग और सामने वाला पार्ट होता है फोकस रिंग, जिससे हम सब्जेक्ट के ऊपर फोकस कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम स्क्रीन में चलते हैं। गाइस, मैंने यहाँ पे सारी सेटिंग्स सेट कर ली है और अब हम स्क्रीन में फोटोग्राफी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो इमेज पूरी तरह से ब्लरी है क्योंकि हमने मैनुअल मोड पे लेंस को सेट कर लिया है। तो अब हमें मैनुअल फोकस करना है। तो गाइस, यहाँ पे फर्स्ट मैं जूम रिंग से सब्जेक्ट के ऊपर पूरी तरह से जूम कर लेता हूँ। जूम करने के बाद गाइस, मैं फोकस रिंग से सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना शुरू करता हूँ। अब जहां पे मुझे शार्प इमेज दिखाई देगी मैं वहां पे फोकस रिंग को रुका दूंगा। आप देख सकते हो यहाँ पे दोस्तों, मुझे शार्प इमेज मिल चुकी है। तो गाइज, आपको यहाँ पे क्यू बटन प्रेस करना है। क्यू बटन प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे इमेज इफेक्ट में जाना है। इमेज इफेक्ट में जाने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ से शार्पनेस भी पूरी तरह से बढ़ा देनी है, कुछ इस तरीके से। शार्पनेस बढ़ाने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे और ज्यादा शार्प फोटो दिखाई देगी। इसके बाद यहाँ पे हम इसे सेट कर लेते हैं। और अब मैं आपको यहाँ पे इमेज क्लिक करके बताने वाला हूँ। यहाँ पे आपको सिंपली शटर बटन प्रेस करना है। अब आप दोस्तों स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो हमारी इमेज कितनी शार्प आ चुकी है। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से होता है मैनुअल फोकस। तो गाइस, लेंस के ऊपर जो मैनुअल फोकस का ऑप्शन होता है उसका यूज कुछ इस तरीके से होता है। आई होप दोस्तों, आपको ऑटो फोकस और मैनुअल फोकस का डिफरेंस समझ आ गया होगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं जल्दी एक नई वीडियो में मिलता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।